हेलो गाइस, दिस इज आयुष एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द बोर मॉडल. सो एज यू कैन सी गाइस, दिस क्वेश्चन आस्क्स यू द 9th जैन 2022 इन द आफ्टरनून शिफ्ट. ओके, सो लेट्स डिस्कस. द क्वेश्चन सेज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडबर्ग. ओके, रिमेंबर 9 रिडबर्ग. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड when the electron in this ion jumps from second excited state to the ground state. Okay, so अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्लिकिंग पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, 9 रिडबर्ग. सो इज इट 9R या इट इज 9 रिडबर्ग, देखते हैं इसको. तो रिडबर्ग अब कॉन्स्टेंट क्या होता है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो R होता है, R होता है वो कितना होता है, 1.097 into 10 to the power प्लस 7 मीटर इनवर्स. ओके, ये होता है एक, ये हम लोग किसमें यूज करते हैं, ये आर, ये जब लाइमन बायोमर पास्टन वाली जो सीरीज है उसमें जो यूज किया जाता है आर, ये वो आर है ना, आर जेड स्क्वायर 1 बाय एनएफ स्क्वायर, दैट इज फाइनल जहां पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एंड 1 बाय एनआई स्क्वायर इनिशियली कहां पे है. ठीक है, यहां पे जो आर यूज होता है दैट इज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट. यहां पे क्वेश्चन में क्या गया, 9 रिडबर्ग. सो ये आर नहीं है. ओके, ये आर नहीं है, ये क्या है, एनर्जी स्केल है ना, एनर्जी की स्केल है. जैसे जूल होता है एनर्जी स्केल, वैसे ही जो अपना पार्टिकल, सॉरी, जैसे आपने यहाँ पे हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में जो यूज करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में जो एनर्जी की स्केल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिडबर्ग स्केल. ओके, सो वन रिडबर्ग की जो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, या इसको हम लोग बोलेंगे ईवी में अगर हम लोग कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इंटरेस्टिंगली इट इज इक्वल टू द RCH. व्हाट इज R? R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट. ओके, सो वन रिडबर्ग इज इक्वल टू RCH. इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये वैल्यू और सी की वैल्यू आपको पता है, 3 × 10⁸ और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आंसर ये आएगा, आप उसको ईवी में कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा. मजे की बात क्या है कि RCH इक्वल होता है 1 रिडबर्ग के. अब ये कैसे आता है 1 रिडबर्ग, मतलब RCH कैसे आया, तो अब रिडबर्ग जो एनर्जी स्केल है उसको हम डिफाइन करते हैं दो तरीके से, है ना, दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं. पहला तरीका क्या है कि पहले तरीके में हम लोग बोलते हैं कि 1 रिडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1 रिडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 रिडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की एनर्जी के टर्म में हम लोग रिडबर्ग को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, 1 रिडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन हुज वेव नंबर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. ओके, हुज वेव नंबर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, वेव नंबर इसके बराबर हो, मतलब वेव नंबर क्या होता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू द रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज आर. ओके, सो अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू एससी बाय लैम्डा. ओके, as we are familiar with the particle nature of light, there is the energy of photon, this is not the energy of electron, this is the energy of photon. Okay, so yeah, 1 by lambda is equal to wave number, it is equal to the r. Okay, is equal to the r, agar ye ho jaye r ke equal, to energy kya hogi, e is equal to RCH, which is equal to the 1 rydberg. Okay, so 1 rydberg is the energy of the photon, 1 rydberg is the energy of the photon whose wave number 1 by lambda is equal to the rydberg constant. So 1 by lambda की जगह हम लोग अगर R रख दे तो ये एनर्जी फोटोन की RCH के बराबर हो जाती है, और RCH क्या है, रिडबर्ग, 1 रिडबर्ग. सो 1 रिडबर्ग क्या है, एनर्जी है फोटोन की, कैसे फोटोन की, जिसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, RCH होनी चाहिए, मतलब RCH बोले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतनी फोटोन के पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम लोग 1 रिडबर्ग बोलेंगे. पहली, ये तो पहली डेफिनेशन है. सेकेंड डेफिनेशन क्या है रिडबर्ग की, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के टर्म में रिडबर्ग को डिफाइन करेंगे. सो 1 रिडबर्ग इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. मतलब क्या है कि जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी. अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू 1 होती है और एन की वैल्यू 1 रखते हैं. ओके,
वन जब मतलब ग्राउंड स्टेट में होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड वन रेड वर्क. ओके, तो जेड की वैल्यू 1 रखो, एन की वैल्यू 1 रखो, तो ई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेगलेक्ट द माइनस साइन बिकॉज इट इट शोज द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन द बाउंड, इट प्रेजेंट इन द बाउंड्री सिस्टम. ओके, सो नेगलेक्टिंग द माइनस वैल्यू वी गेट द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब क्या है, ये RCH के बराबर है. सो ये भी है वन रेड वर्क, ये भी है कितना, वन रेड वर्क. ओके, सो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, वन रेड वर्क इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. या ऐसा बोल ले कि एनर्जी ऑफ द फोटोन हुज वेव नंबर इज वन बाय वेव नंबर इज इक्वल टू रेड वर्क कॉन्स्टेंट. ओके, सो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि हाइड्रोजन लाइक आयन इन ग्राउंड स्टेट इज 9 रेड वर्क. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन लाइक आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रेड वर्क. मतलब वो एनर्जी दी गई है, ना कि 9R दिया है. 9R गलत हो जाएगा, 9R नहीं दिया, वो क्या है, एनर्जी को डिफाइन करने की स्केल है. ओके, इस तरीके से हम लोग वन रेड वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, जूल के टर्म में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में. और RCH कैसे आया, मैंने आपको ये दो डेफिनेशन बताई. ओके, सो गाइस क्वेश्चन में तो अब क्या बोला था कि 9 रेड वर्क एनर्जी चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने के लिए, मतलब इन्फिनिटी पे भेजने के लिए, है ना. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, 1 बाय इन्फिनिटी पे भेजना है और 1 से भेजना है ना, 1 ग्राउंड स्टेट पे है, इन्फिनिटी पे भेजना है, तो उसको 9 रेड वर्क एनर्जी चाहिए. ओके, तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू द आर जेड स्क्वेयर. हम जेड फाइंड करेंगे, हमको पता नहीं जेड क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है ना, आयन बोला है, तो हम लोग जेड को फाइंड करेंगे. ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का साइन छोड़ो, 1 हो जाएगा. तो अब यहाँ पे 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग एस सी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो अगर एस सी से मैं मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, एस सी बाय लेमडा इज इक्वल टू आर और एच सी मल्टीप्लाई कर दोनों साइड जेड स्क्वायर. अब ये देखो क्या हो गया, एस सी बाय लेमडा ये क्या है, एनर्जी है. और ये एनर्जी दी है इन टर्म्स ऑफ रेड वर्क स्केल, रेड वर्क स्केल पे ये एनर्जी दी गई. एस सी बाय लेमडा क्या एनर्जी है, और वो एनर्जी किस में दी है, वो रेड वर्क स्केल में एनर्जी कैलकुलेट की गई है, 9 रेड वर्क. So, 9 रेड वर्क, और रेड वर्क मतलब क्या होता है, रेड वर्क मतलब 1 रेड वर्क मतलब RCS. तो 9 रेड वर्क, तो रेड वर्क को रिप्लेस करेंगे RCS से. ठीक है, और ये इक्वल टू द R रेड वर्क को हम लोग 9 रेड वर्क था, तो रेड वर्क को रिप्लेस किया RCS से, और ये हो गया RCS तो है ही इधर, और ये जेड स्क्वायर. ओके, सो अब क्या होगा, RCS से RCH कट गया, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया. मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात हो रही है क्या, नहीं नहीं, ये लिथियम 2+ की बात हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर. ठीक है, तो अब हमको पता चल चुका है कि वो जो हाइड्रोजन लाइक आयन की बात हो रही है वो क्या है, लिथियम 2+ है. ओके, तो अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड तो क्या करना था मेरे हम लोग को, कि मतलब व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन इन दिस, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन जंप्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 जंप्स फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. ओके, तो इसमें क्या वेवलेंथ रिलीज होगी वो हम लोग क्या फाइंड करना था. तो अब लोग वापस फॉर्मूला लगाए, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 बाय NF² माइनस 1 बाय NI². सो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, NI पे आ रहा है, मतलब N फाइनल कितना हुआ, 1, और इनिशियल कितना था, 3 था, तो 3 से 1 पे आ रहा है. ओके, सो क्या वेवलेंथ रिलीज होगी हम लोग को निकालना है, आर जेड स्क्वायर 1 बाय NF, फाइनली कहाँ आ रहा है, 1 पे आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, 3 से, मतलब 9 हो जाएगा. सो यहाँ से आप लोग देखे, ओके, सो 1 बाय लेमडा यहाँ पे 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू द आर जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 दैट इज 8 बाय 9. ओके, 8 बाय 9. सो यहाँ पे देखो, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू द आर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 पुट कर सकते हैं, तो 9 इंटू 8 बाय 9. सो 9 से 9 कट गया. सो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय 8 आर, 1 बाय 8 आर. और आर क्या है, रेड वर्क कॉन्स्टेंट था भाई, आर क्या था, आर तो रेड वर्क कॉन्स्टेंट था ना, जो अपने ये इक्वेशन भी यूज कर रहे थे, आर तो रेड वर्क कॉन्स्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है उसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. सो हम लोग अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 1 बाय 8 इंटू 1.097 × 10⁻⁷, ऊपर गया 10⁻⁷. ओके, सो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये देखो यहाँ से 1 से थोड़ी 8 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी 8 से, तो हमको पता है 1 बाय 8 कितना होता है, 0.125.
लेकिन अगर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये 1/8.125 वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन करने की जरूरत, आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, 1/8 को अगर मैं डिनोमिनेटर में थोड़ा सा 8 से बड़ा करूं तो 0.125 से वैल्यू घट जाएगी, तो 0.125 से वैल्यू घट जाएगी, इसका मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट लेट से 0.125 की जगह 115 हो जाएगी इंटू 10^-7 इन मीटर्स। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे दो अरेंज करें इसको, तो 11.5 × 10^-9 मीटर लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू द 11.5 नैनोमीटर। सो ये वेवलेंथ रिलीज होगी जब ये जो हाइड्रोजन लाइक आयन लिथियम 2+ था वहां से अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए तो इतनी वेवलेंथ रिलीज होने वाली। आप देखो इस हिसाब से ऑप्शन जो है 11.4 नैनोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 11.5 नैनोमीटर वो अपना करेक्ट आंसर है। तो होप यू गॉट इट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज रेडबर्ग यहाँ पे समझना था आपको, रेडबर्ग स्केल जो एटॉमिक फिजिक्स में वो क्या होती है।